Hello friends, welcome to mysurgery.com. So we are at the end of our course, building a career in web development. So हमने अभी तक बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी बातें की, बहुत different technologies के बारे में बात की. हमने देखा अभी तक what's, why's and how's, web development क्या है और हम कैसे prepare करें, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्यों हैं. तो हमें कम से कम एक टारगेट तो मिल गया है कि हमें कितनी चीज़ें कवर करनी है, यहाँ से स्टार्ट करना है. हमें एज अ गुड वेब डेवलपर किन टॉपिक्स का नॉलेज होना चाहिए. हमने ये भी देखा कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, HTTP, DNS ये सब क्या होते हैं, तो जो एक्चुअल कम्युनिकेशन है वो कैसे होता है. हमने बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स सीखे, HTML, CSS, JavaScript, और इनकी थोड़ा ब्रीफ नॉलेज लिया. हर एक का हमने टॉपिक देखा कि क्या टॉपिक्स आपको कवर करना चाहिए बीइंग अ गुड वेब डेवलपर. हमने देखा कि कितनी तरह की टूलिंग्स है, फ्रेमवर्क्स, एक्सक्यूज मी, वर्जन कंट्रोल और यूनिट टेस्टिंग. इसके अलावा हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे, कुछ हिंट्स भी आपको मिले और हमने ये भी देखा कि हाउ यू कैन प्रोग्रेस. तो दिखने में भले ही आपको ये बहुत सारी चीज़ें लगी हों, लेकिन आप धीरे धीरे प्लान कर सकते हैं, वन टॉपिक वो एट ए टाइम. तो आप धीरे धीरे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं. और इस प्रिपरेशन के लिए मैंने आपको कुछ टिप्स भी दिए और मैं अभी भी आपको कुछ टिप्स दूंगा. पहली चीज़ सेल्फ एजुकेशन. वेब डेवलपमेंट के लिए सब कुछ ओपन सोर्स प्रोवाइडेड है. आप किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए, किसी भी फ्रेमवर्क की बात करें, सब कुछ आपके लिए दिया हुआ है. तो जब आप आपको लगता है कि आप HTML, CSS और JavaScript में अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है, आपने कुछ अच्छे प्रोग्राम्स, कुछ अच्छे वेब एप्लीकेशंस बनाए हुए हैं, तो आप फ्रेमवर्क्स देख सकते हैं. बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं और सारे ज़्यादातर फ्रेमवर्क्स हमें ऑनलाइन अवेलेबल हैं. हालांकि एग्जैक्टली ऑनलाइन ट्यूटोरियल सबके प्रॉपर नहीं है, लेकिन हमें ऑनलाइन डॉक्स हमें दिख रहे हैं. हम लोग angular.com, angular.io पर जा सकते हैं, रिएक्ट के लिए भी अवेलेबल है. लेकिन ये सब तभी कंसीडर करें जब आप रेडी हैं, जब आपको लगता है कि जावास्क्रिप्ट मुझे समझ आता है, मुझे पता है क्लोजर्स, प्रोटोटाइप, इनहेरिटेंस एंड जो भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए वो सब क्या है और किस तरह से वर्क करते हैं. मैंने आपको एक और वेबसाइट भी बताई थी, MDN, Mozilla Developer Network. उसमें भी हर एक डिटेल में दिया हुआ है, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड एवरीथिंग इज देयर. सेकंड चीज, प्रैक्टिस. एक मैंने आपको कोड पेन का भी एग्जांपल दिया था, जिसमें मैंने अपने अकाउंट से एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया. ऐसे आप भी अपना अकाउंट बना सकते हैं और ये ज़रूरी नहीं आप कोड पेन पर बनाइए, दूसरे भी हैं, प्लंकर है, कोड बेन है, जेस फिडल है, ये सब आपकी एक प्रोफाइल मेंटेन करके रखेंगे, जिसमें आप एक छोटे छोटे से एग्जांपल, अगर आपके पास 10-15 अच्छे एग्जांपल्स हैं, तो आप उन एग्जांपल्स को यूज़ करके एक वेब एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. और नहीं भी तो आप उसमें शोकेस कर सकते हैं, अपने रिज्यूमे में एक लिंक दे सकते हैं, आप इंटरव्यू में बता सकते हैं. सो और नेक्स्ट थिंग, नेटवर्किंग विद डेवलपर्स. अगर आप अभी अंडर ग्रेजुएट हैं या आप कॉलेज में हैं, तो आपका नेटवर्क आपके फ्रेंड्स में हो सकता है, क्योंकि उसमें तो आप लोग सब सेम हैं, उससे अच्छा तो और कुछ हो भी नहीं सकता. प्रोफेशनली आप इतना अच्छा ग्रुप नहीं बना पाते जितना आप अपने कॉलेज में बना पाते हो. तो कोई भी नए नए आइडियाज लेकर आइए, साथ में बैठकर प्रोग्राम करिए. मैंने एक बात की थी हैकेथॉन और ऑनलाइन मीटअप्स. हैकेथॉन
क्या होता है उसमें सिर्फ 2-3 आवर्स आपको मिलते हैं, जिसमें प्रोफेशनल डेवलपर्स एक जगह पर मिलते हैं, एक उसी वक्त टॉपिक सेलेक्ट करते हैं कि लेट्स मेक दिस, आई हैव दिस आइडिया, लेट्स मेक दिस प्रोग्राम और लेट्स मेक दिस वेब ऐप, और वो 2-3 घंटे में जितना उनसे बन पाता है उतना साथ में बैठकर करते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट होता है वो है आइडिया एक्सचेंज, एक दूसरे से सीखना। पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब आपके डेवलपमेंट के लिए आपके दोस्तों से अच्छा कोई भी नहीं है। एंड अगेन, योर बिगेस्ट कॉम्पिटिटर इज यू, ट्रस्ट मी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे कैंपस, मेरे कॉलेज में कैंपस रिक्रूटमेंट होता है और मेरी क्लास में तो इतने लोग हैं और वो कंपनी बस 5 या 10 को ही लेगी, उसमें मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा तो ये सब मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, कभी ऐसा मत सोचिए। आपके फ्रेंड्स आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हैं। अगर आप प्रॉपरली अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर काम करते हैं, और ऐसा भी होता है कई बार हम लोग जब ग्रुप में रहते हैं एक दूसरे की खिंचाई करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, ये सब करते हैं, तो एज ए जोक दैट इज़ फाइन। लेकिन जब धीरे धीरे कैंपस आता है, कैंपस रिक्रूटमेंट होना है या आपको वॉक इन के लिए या आपको जॉब रेडी होना है, उस वक्त आप लोगों को आपस में मिलकर एक डिसीजन लेना चाहिए कि हम लोग एक दूसरे की पॉजिटिविटी पे ध्यान देंगे। एंड प्लीज़ ट्रस्ट मी, ये वर्क करता है, क्योंकि हमने ऐसा किया है। मैंने, सौरभ ने जो mysurgery.com का फाउंडर है, हम लोग साथ में पढ़ते थे, हमने साथ में MCA किया और हम दोनों का साथ में सेम कंपनी में सिलेक्शन हुआ था। इट्स अ डिफरेंट थिंग कि उसने डिफरेंट करियर पाथ चूज किया, विच आई एडमायर, लेकिन आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपके फ्रेंड्स हैं। तो अपना फ्रेंड्स का एक ऐसा ग्रुप बनाइए, एक ओपन डिस्कशन रखिए, आइडियाज़ एक्सचेंज कीजिए और साथ में मिलके प्रोग्रामिंग कीजिए, इससे अच्छा फन नहीं है। एंड डोंट स्ट्रेस, ट्रस्ट मी, ईच एंड एवरीथिंग इन वेब डेवलपमेंट इज सो फन। मैं अभी अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आपको बताऊं तो मैंने जावा पोर्टल्स, पोर्टल फ्रेमवर्क्स, इन सब में काफ़ी काम किया हुआ है। लेकिन उसके बाद जब मैंने धीरे धीरे फ्रंट एंड पे काम किया, उससे अच्छी चीज़ मुझे नहीं लगी, क्योंकि मैं अपनी खुद वेबसाइट बना सकता हूँ, मैं अपनी खुद वेब एप्लीकेशन बना सकता हूँ, एंड देर आर लॉट ऑफ आइडियाज। अगर मैं कभी बोर हो रहा हूँ, मैं अपना एक प्रोग्राम बना लेता हूँ, कुछ भी एक नया आइडिया आया। और एज ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, वॉट यू कैन डू इज यू कैन सी एनी वेबसाइट। आप तो रोज कितनी वेब ऐप वेबसाइट्स विजिट करते होंगे, क्या आपने कभी सोचा है कि मैं खुद अपनी ऐसी वेबसाइट बना लूँ? और अगर कुछ और आइडिया नहीं आया तो क्यों ना मैं अपनी पोर्टफोलियो बना लूँ। अगर मैं उसको ऑनलाइन पब्लिश नहीं भी कर रहा हूँ तो कम से कम वो मेरे कंप्यूटर में रहेगा और जब मुझे एग्जाम्पल देना होगा तो मैं वो अपनी ऑनलाइन अपनी पोर्टफोलियो ऐप बता दूंगा। थिंक अबाउट इट, दीज थिंग्स विल इम्प्रेस द इंटरव्यूअर जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, और इसके साथ ही आपको तो कंटेंट भी मिल जाएगा आपके रिज्यूमे के लिए, क्योंकि उसमें आप अपने ऑनलाइन एडिटर्स, जो आपकी ऑनलाइन प्रोफाइल है, आप उसके लिंक दे सकते हैं, जैसा कि मैं भी करता हूँ। मैं अपने कोड पेन के लिंक देता हूँ, मैंने अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिंक देता हूँ, मैं अपनी ऑनलाइन पोर्टफोलियो के लिंक देता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट के लिंक देता हूँ, और मैं बताता हूँ कि मैंने ये यूज़ किया है। सो इट इज़ माई प्रोजेक्ट, सो इफ आई कैन डू, वाई कांट यू डू इट। सुनने में थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ट्राई फ्रॉम फर्स्ट स्टेप, धीरे धीरे छोटे छोटे से प्रोग्राम, छोटी छोटी सी एप्लीकेशन, एक पेज, एक सेक्शन जिसमें CSS, HTML, JavaScript हो, उसके बाद तो जैसे हम देखते हैं ना बच्चों को, पहले बेबी स्टेप सिखाते हैं, उसके बाद ही वो चलना और दौड़ना सीखता है, ऐसे कीजिए। और
कॉन्फिडेंस बूस्ट कीजिए. ट्रस्ट मी इट वर्क्स एंड इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. सो दिस वॉज ऑल वी हैव फॉर यू. सो प्लीज विजिट mysearch.com एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोज. प्लीज गो बैक अगेन फॉर द एग्जाम्पल्स जो भी अगर आपको नहीं है. और ये मैं मेंशन करना भूल गया था, मैंने लास्ट वीडियो में जो एग्जांपल दिया था कोड पेन का, आप उसमें यूआरएल देख सकते हैं. तो उस यूआरएल में मेरी प्रोफाइल है, तो आप मेरी प्रोफाइल पे जाकर वो एग्जांपल्स भी देख सकते हैं और उसको एक्सेस भी कर सकते हैं. और ये बहुत अच्छी बात है कोड पेन और ऑनलाइन एडिटर्स की कि आप वो लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो वीव ओनली रहेगी. सो प्लीज़ provide your feedback and please visit mysearch.com. हम लोग बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा नॉलेज आपको देना चाहते हैं. तो देर आर लॉट ऑफ वीडियोज ऑन mysearch.com. अपने बेसिक्स के लिए, डेटा स्ट्रक्चर के लिए, अगर आप जावा, C++, PHP, jQuery इसमें इंटरेस्टेड हैं, इनके भी वीडियोज अवेलेबल हैं. एंड देर आर लॉट टू कम. So please provide your feedback. क्योंकि without it, I cannot understand मैंने किस तरह से किया. And I cannot understand what is your expectation. So please provide your feedbacks and